हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 7th of August 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा मल्टीबैगर शेयर जो कि आज की डेट पर आपको करीबन 35% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। आज की डेट पर कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही शानदार दमदार रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो क्या आपको ये शेयर के अंदर खरीदारी करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ रिजल्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे। रिजल्ट कैसा आया है वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, और बड़े प्लेयर्स दोस्तों ये शेयर के अंदर लिए बहुत ही ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा शेयर, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है 7th August 2021। जैसे कि आपको मालूम है, जून क्वार्टर का रिजल्ट हर एक कंपनी का प्रेजेंट कर रहा है। तो आज की डेट में दोस्तों ये स्टॉक का भी, मतलब ये कंपनी का भी रिजल्ट आउट हुआ है। क्वार्टर वन का रिजल्ट तो दोस्तों बहुत ही शानदार आया है। तो आज की डेट पर अगर बात करें तो ये स्टॉक आपको दोस्तों लगभग 34-35% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है तब से लेके आज तक। शेयर प्राइस देखिए, आपको लगभग 4164 में मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको बहुत पहले ही खरीदारी करने का राय दिया था। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है आपके सामने देखिए 6285, मतलब अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 34-35% डिस्काउंट में मिल रहा है। बट कंपनी दोस्तों ज़बरदस्त है। देखिए, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ 19 से लेके आज तक, इतना ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ओनली 2 ईयर्स, 2 साल में दोस्तों इतना ज़्यादा गिरावट के बाद भी 400% का रिटर्न, दमदार कंपनी है, फंडामेंटली ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। इसके ऊपर मैं बहुत पहले इसके आपको खरीदारी करने का राय दिया था बाई ऑन डिप स्टडीज से। आपके अंदर अगर पेशेंस है तो इसके अंदर आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हो। इसके गिरावट के पीछे क्या रीज़न है वो हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्वार्टर वन का रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आज की डेट में दोपहर को रिजल्ट आउट हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स है सारे इन मिलियंस के फिगर पे, राइट, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ईजी लगे। सबसे पहले देखिए, ये जून 2021 मतलब करंट क्वार्टर का रिजल्ट, यह लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट मार्च 21 का, और यह है लास्ट ईयर जून 20 का रिजल्ट। तो यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आता है कंपनी का टोटल इनकम, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम हुआ है 165 करोड़ रुपए। ध्यान देना, पूरा का पूरा फिगर मिलियंस पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 165 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में कितना आया था, 177 करोड़। दोस्तों हर एक कंपनी का हमने देखा है कि इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर वन पे हल्का फुल्का क्वार्टरली गिरावट देखने को मिला। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से हम सभी को मालूम है कि हल्का फुल्का कंपनी के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। तो उतना ज़्यादा कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिला। बट अगर आप देखोगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर पे, जहाँ पे लास्ट ईयर जून 2020 पे कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 92 करोड़ रुपीज़, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देखिए, 92 करोड़ से 165 करोड़ रुपीज़ पे पहुँच चुका है। मतलब ह्यूज जंप लगाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए अब हम नीचे चल के देखते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस का नंबर कितना आया, मतलब खर्चा कितना हुआ, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस हुआ है 124 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में हुआ था 113 करोड़ का। मतलब आप देख सकते हो कंपनी का टोटल इनकम जैसे घट गया, वैसे ही एक्सपेंसेस के अंदर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। तो ये बिल्कुल ही पॉजिटिव साइन नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ये हो सकता है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, मैंने बहुत पहले ही बता दिया आपको। बट ईयर ऑन ईयर पे अगर देखा जाए दोस्तों, लास्ट ईयर पे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया था 72 करोड़ रुपये का। तो कंपनी का टोटल इनकम भी कम आया था तो एक्सपेंसेस भी कम आया था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे भी बढ़ता हुआ नज़र आया। चलिए नीचे चल के जो इंपॉर्टेंट बात आते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना कमाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब टैक्स भरने के बाद जो बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहा जाता है। इस बार दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी का रिजल्ट आया है। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 35 करोड़ 89 लाख रुपीज़, 35 करोड़ 89 लाख रुपये का। लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था 58 करोड़ 60 लाख का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली गिरावट तो आएगा ही, क्योंकि जो सेकेंड वेव का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कंपनी की इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्सटर्नल जो वजह है उसके वजह से हमें गिरावट देखने को मिला।
बट ईयर ऑन ईयर पे अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, लास्ट ईयर जून 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था 18,77,00,000 रुपए का, सीधा सीधा वहाँ से जंप लगाया 35 करोड़ रुपए के ऊपर। मतलब दोस्तों ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो 95% के आसपास आपको जंप नज़र आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये दोस्तों काफ़ी शानदार हमें लगा ईयर ऑन ईयर पे, इतना शानदार जंप ऑलमोस्ट डबल करके दे दिया, तो कंपनी का परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा। चलिए अब EPS के ऊपर भी एक झलक देख लेते हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर, बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हमें गिरावट देखने को मिला। इस क्वार्टर पे है 13.68 का, लास्ट क्वार्टर में था 22.99 का, एंड लास्ट ईयर पे था 7.36 का। यानी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट, टोटल इनकम हर एक सेगमेंट पे जम देखने को मिला, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हल्का फुल्का गिरावट, और उसके पीछे रीज़न क्या हम सभी को मालूम है। तो बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, रिजल्ट तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव भी लगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से देखोगे, आप अगर सिचुएशन के ऊपर बेस करके देखोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही आया है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आज की डेट पे तो ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, आपने देख ही लिया 6,285 इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि आज की डेट पे आपको 4,161.65 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी दोस्तों सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, एंड बेसिकली ये जो कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो कि एक यूनिक और बहुत ही शानदार एक मतलब सेक्टर है। स्टॉक पी की बात करें तो देखिए उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 73 की, क्योंकि पर्टिकुलर ये सेक्टर में कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। ROC चाहे आप ROE देखिए कितना शानदार है। सबसे अच्छी बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए 46% के आसपास कंपनी का तीन साल में सेल्स ग्रोथ, इस साल में 66% का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, तीन साल में 69% का, इस साल 114% का। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, आपको तो याद होगा FL इंडिया का QIP के थ्रू यहाँ पे फंड रेज किया था, तो जिस कारण हमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो उसके अंदर हमें घटा यहाँ पे घटता हुआ नज़र आया, गिरावट नज़र आया। बट मज़े की बात देखिए, DIIs और FIIs लगातार इसके अंदर हमें माल खरीदा है। देखिए DIIs के पास, FIIs के पास पहले स्टेक था 17.28 का, और आज की रेट पे देखिए ऑलमोस्ट 1% बढ़ चुका है। DIIs के पास भी देखिए 6.93 का स्टेक था, जो कि आज की रेट में 7 के आसपास पहुंच चुका है। पब्लिक भी दोस्तों अच्छा खासा इसके अंदर शेयर परचेज किया, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसके अंदर बढ़िया है शेयर अभी बाइंग करने का, क्योंकि लास्ट लगभग एक दो महीने नहीं, 6 महीने की अगर बात करें तो देखिए शेयर में हमें यहाँ पे गिरावट, और लास्ट एक महीने में ये जो पर्टिकुलर लेवल है 4,000 रुपये का लेवल, इसके ऊपर सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है शेयर को, और आज की रेट पर देखिए 4,000 का जस्ट ऊपर ही मिल रहा है आपको। तो इसी मोमेंट पर आपको धीरे धीरे फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। बट ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये शॉर्ट टर्म का शेयर है नहीं, क्योंकि इसको ASM लिस्ट में डाला हुआ है और इसके ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा है, तो जिसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर रहेगा टेम्पोररी बेसिस के ऊपर। ध्यान देना शब्द के ऊपर, टेम्पोररी बेसिस के ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल वो सब मैटर करता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देगा, और कंपनी का परफॉर्मेंस ही उसका सबसे बड़ा प्रूफ है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ये जो कुछ एक्सटर्नल जो नेगेटिव पॉइंट है, ASM लिस्ट में डाला हुआ है, एक कोर्ट केस चल रहा है, इसके वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा स्टेक के ऊपर यहाँ पे जो शेयर है इसके ऊपर इंपैक्ट हमें देखने को मिला है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे बाय ऑन डिप स्टडी से पेशेंसली आप खरीद सकते हो, होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देखना लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी एक बार अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद ही कोई निवेश करना। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।